हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम ट्यूशन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंग्वेजेस जितने भी सब्जेक्ट है इनमें कितने रिडक्शन किए गए हैं वो देखेंगे हम। हिंदी, इंग्लिश, मराठी जितने भी लैंग्वेजेस है इनमें कितना रिडक्शन किया गया है फॉर 2021 बोर्ड एग्जाम्स, जिनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश की कौन सी वाली टेक्स्ट बुक, कुमार भारती वाली टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो चलिए पहले इंडेक्स में आ जाते हैं। इंडेक्स में मैंने मार्क करके, सॉरी इसमें मैंने नहीं रखा है, तो चलिए देखते हैं लेसन वाइज। तो देखिए फर्स्ट पेज नंबर, आप प्लीज टेक्स्ट बुक लेके बैठिए क्योंकि इसमें पेज नंबर वाइज डिलीट किया गया है तो उस हिसाब से देखेंगे। पेज नंबर 2 में आप देख सकते हो ये पूरा पेज ही डिलीट किया गया है। देन पेज नंबर 5 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट। पेज नंबर 6 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 डिलीट। ओके, देन आ जाते हैं कुछ नहीं, ओके पेज नंबर 13 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 डिलीट कर दिया गया है। देन ओके, ये जो लेसन है 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज, इसमें जो ये वार्मिंग अप है ये पूरा करना है आपको, ठीक है। एंड देन पूरा एंटायर लेसन में से आपको कोई भी पैसेज, कोई भी एक्टिविटी नहीं आएगा। ये पूरा लेसन डिलीट किया गया है, आप देख सकते हो नीचे ये पूरा पेज ही डिलीट है। 18 एंड देन 19 में यहाँ तक डिलीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट पेज में बी तलक आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 डिलीट कर दिया गया है एंड उसी तरह 9 10 आपको पढ़ना है। जो डिलीट, जिसमें आपको हाईलाइटेड मार्क नहीं दिख रहा है, क्रॉस मार्क नहीं दिख रहा है, वो आपको पढ़ने हैं, और जो क्रॉस मार्क आपको दिख रहा है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर 27 पे, क्वेश्चन नंबर 8 डिलीट कर दिया गया है। देन आते हैं नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा लेसन आने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, पेज नंबर 35 पे आ जाइए एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये पूरा डिलीट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 42 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9A डिलीट, 9B जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 11 डिलीट। देन ओके, देन आ जाइए 56 पेज नंबर पे, पूरा का पूरा पेज ही डिलीट कर दिया गया है 56 पेज नंबर, एंड 57 पेज नंबर भी पूरा डिलीट कर दिया गया है। तो ध्यान से मार्क कर लीजिए, 56 पेज नंबर पूरा जो भी है उसमें पूरा डिलीट, एंड 57 पेज नंबर भी पूरा डिलीट। नेक्स्ट उसके बाद आ जाइए 60 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 डिलीटेड, बाकी सब करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पेज नंबर 68, तो पेज नंबर 68 पे देखिए, पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 10 11 12 तीन ही क्वेश्चन है और तीनों पे तीनों डिलीट कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 75 में आइए, पेज नंबर 75 में देखिए पूरा का पूरा 75 पेज डिलीट, जो भी है कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट पेज नंबर 77 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा डिलीट किया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 लेकिन आपको करना है, ठीक है। एंड देन आ जाते हैं नीचे, ओके पेज नंबर 85 में क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें जितने भी सब क्वेश्चन है सारे डिलीट। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 88 में क्वेश्चन नंबर 13 विथ ऑल सब क्वेश्चन डिलीटेड। देन 2.6 साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये पूरा लेसन डिलीट कर दिया गया है एंड लेसन में से आप देख सकते हो पूरा का पूरा सब क्रॉस कुछ भी नहीं पढ़ना है, कोई भी पैसेज नहीं आएगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं आएगा इससे रिलेटेड। ओके, ये पूरा चैप्टर यहाँ से देखिए पूरा डिलीट, 98 99, तो पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर ही डिलीट, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 3.1 में, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ओके पेज नंबर 105 में क्वेश्चन नंबर 7 जो है और वो जो पूरा चार्ट है वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। देन पेज नंबर 106 में क्वेश्चन नंबर 10 प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो डिलीट कर दिया गया है। देन आ जाइए पेज नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 पूरा का पूरा डिलीट विथ ऑल देयर सब क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर पेज नंबर 120 पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है वो डिलीट किया गया है। देन पेज नंबर 121 में क्वेश्चन नंबर 11 12 विथ ऑल देयर सब क्वेश्चंस डिलीटेड। ओके, नाउ द विल टू विन, ये जो पूरा पोयम है ये पूरा पोयम एंटायर पोयम ही डिलीट कर दिया गया है विथ ऑल देयर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन
या फिर जो भी क्वेश्चन है, सब कुछ पूरा एंटायर पोयम डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, उसमें से आपको कोई भी चीज नहीं आएगा। और इसके पहले हमने कौन सा वाला देखा, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जो चैप्टर है वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 134 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 डिलीट, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 डिलीट। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको कर लेना है, इजी है। देन पेज नंबर 136 पूरा पेज ही डिलीट, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 पूरा डिलीट। ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए पेज नंबर 143 पे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और जो पूरा टेबल है क्वेश्चन नंबर 8 में वो पूरा डिलीट। पेज नंबर नेक्स्ट 144 पे, क्वेश्चन नंबर 10 विथ ऑल इट्स पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, 10 क्वेश्चन या फिर पॉइंट्स जो भी है वो पूरा डिलीट, क्वेश्चन नंबर 10 पूरा एंटायर डिलीट। ओके, 4.1, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सो ये जो है ये पूरा एंटायर डिलीट किया गया है, आप देख सकते हो पहले पेज से ही क्रॉस, फिर क्रॉस एंड देन ये पोयम भी पूरा क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कुछ भी नहीं पढ़ना है उस पोयम में से, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देन आते हैं हम पेज नंबर 155 में, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिलीट कर दिया गया है। देन पेज नंबर 156 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 एंड इट्स सब क्वेश्चंस डिलीटेड। देन आ जाइए पेज नंबर 165, क्वेश्चन नंबर 9 डिलीटेड। पेज 166, क्वेश्चन नंबर 12 डिलीट। पेज नंबर 167, क्वेश्चन नंबर 15 प्रोजेक्ट बेस डिलीट। देन आ जाइए 173 पेज नंबर पे, 173 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये सारा का सारा डिलीट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इंक्लूडिंग द टेबल इन द क्वेश्चन 6, ठीक है, पूरा डिलीट। देन आते हैं पेज नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पूरा का पूरा जितने भी सब है उस क्वेश्चन में सब डिलीट, कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, यूनिट 4.6 पूरा का पूरा एंटायर जो चैप्टर है वो डिलीट, आप देख सकते हो फर्स्ट पेज से ही क्रॉस मार्क चालू हो गया, पूरा डिलीट, कोई भी पैसेज, कोई भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, ना कोई टेबल आएगा ना ही कुछ आएगा, पूरा एंटायर चैप्टर जो है वो पूरा डिलीट कर दिया गया है टिल लास्ट। सो इंग्लिश में भी जो रिडक्शन किया गया है, दो चैप्टर एंटायर चैप्टर एंड दो एंटायर पोयम, जिससे कोई भी चीज़ रिलेटेड आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा रिलीफ है। आप बाकी के जितने भी बच गए हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। चलिए देखते हैं हिंदी में कितना रिडक्शन किया गया है। तो यहाँ पर हम जो हिंदी की टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं वो है लोक भारती। सो हिंदी के बहुत सारे टाइप्स के बुक्स हैं, तो हम लोक भारती जो हिंदी का टेक्स्ट बुक है हम उस में जो भी कंटेंट है उसमें देखेंगे कि कितना रिडक्शन किया गया है। तो यहाँ पर हम पहले आ जाते हैं इंडेक्स में। इंडेक्स में आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट करके रखा है कि कौन से लेसन डिलीट किया गया है, रिड्यूस। ये पूरा एंटायर लेसन नहीं डिलीट किया गया है, सारे के सारे हम देख सकते हैं। ऊपर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप देखो कि 2nd, 5th, 7th और 11th, ठीक है। सो ये जो हाईलाइटेड है ये सारे लेसन से आपको क्या पढ़ना है, जो भी ग्रामर रिलेटेड है वो सारे पढ़ने हैं, बाकी पूरे लेसन में से कोई भी पैसेज, कोई भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए इसको देखते हैं डिटेल में हर एक लेसन में कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। लेसन तो पूरा कंप्लीटली डिलीटेड है लेकिन ग्रामर कौन सा पार्ट है जो आपको पढ़ना है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है सेकेंड लेसन जो कि है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी में आ जाते हैं। तो ये है सेकेंड लेसन, सेकेंड लेसन में देखिए जो फर्स्ट पेज है उसमें से सेकेंड कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये जो पूरा कैंसल्ड है इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसमें से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये देखिए राइट मार्क है। तो यहाँ पर ये जो भाषा बिंदु है ये पूरा जो भी इंफॉर्मेशन टेबल है ये आपको पढ़ना है, और नीचे उपयोजित लेखन ये आपको पढ़ना है, किसी पालतू प्राणी की आत्मकथा लिखिए। तो ये तो हम सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत ही छोटे से, ठीक है, छोटे से मतलब हो गया कि 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। देन आते हैं हम ओके, ये वाला जो लेसन है कौन सा लेसन है, 4th, गोवा जैसा मैंने देखा। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th पेज कुछ भी नहीं। देखिए लास्ट में 23rd पेज नंबर पे भाषा बिंदु, जो भी ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है वो ये पूरा टेबल आपको पढ़ना है, बट इसमें जो उपयोजित लेखन है इसका आपको नहीं करना है। लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग तो वैसे भी हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, तो जैसा भी आए आप कर सकते हो। तो इसमें ये वाला उपयोजित लेखन आपके उस रिडक्शन का जो PDF है उसमें ये नहीं लिखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये देखिए खुला आकाश, ये आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है कुछ भी नहीं।
यहाँ से भी कुछ भी नहीं एंड आते हैं फिर भाषा बिंदु। ये पूरा टेबल ग्रामर रिलेटेड है तो ये पूरा आपको पढ़ना है। एंड देन उसके नीचे अपाठित गद्यांश ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सो ये पूरे लेसन में से आपको 31 पेज नंबर पे है वो सारा पूरा पेज, एंड देन 32 पेज नंबर भी पूरा आपको पढ़ना है। ओके नेक्स्ट देखते हैं और क्या डिलीट किया गया है। ओके ये रहा, आ गए। नेक्स्ट है कृषक गान। तो यहाँ पर ये जो पोयम है ये पूरा डिलीट है, मीन्स इस पोयम से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा डिलीट है, ठीक है। इसमें कोई ग्रामर पार्ट भी नहीं है तो ये पूरा डिलीट है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में जो है श्रम साधना, नेक्स्ट है श्रम साधना, इसमें से भी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, थियरी या फिर आप बोल सकते हो कि पैसेज वैसेज इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। नाउ आ जाते हैं भाषा बिंदु। जो ग्रामर रिलेटेड है ये आपको पूरा पढ़ना है टेबल, एंड देन नीचे का उपयोजित लेखन आपको करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे की तरफ। ओके नेक्स्ट है अपनी गंध नहीं बेचूंगा। सो ये जो पोयम है ये भी पूरा डिलीट है, इसमें भी कोई ग्रामर पार्ट नहीं है, इसमें से भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी पूरा डिलीट हो गया। तो इसके अलावा ये हो गया हमारा हिंदी का कंप्लीट, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। सो ऐसे देखा जाए तो हिंदी में भी बहुत कुछ डिलीट कर दिया गया है जो आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही आसान हो गया है। हिसाब से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर डिलीट, ठीक है। उसमें से कोई भी टाइप का पैसेज बोल दो आप, कोई भी टाइप का एक्टिविटी बेस्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, भाषा बिंदु जो कि ग्रामर पार्ट है, ठीक है। ग्रामर पार्ट से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रामर पार्ट से हम डिलीट करेंगे तो फिर लैंग्वेज का क्या बचा, ठीक है। तो ग्रामर पार्ट आपको पूरा करना है, एंड बाकी सब जितने भी लेसन है उसकी तैयारी करनी है। तो बहुत ही लिमिटेड अभी हो गया है कि लेसन जो है बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अभी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लेसन लग रहा है, इसमें से पैसेज ज़रूर आ सकता है, तो उस तरीके से आप तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट मराठी में कितना रिडक्शन हुआ है। ओके हम आ गए मराठी टेक्स्ट बुक में। तो हम मराठी कौन सी टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, अक्षर भारती, ठीक है। तो अक्षर भारती में कितना रिडक्शन किया गया है वो देखते हैं। तो यहाँ पर मराठी में थोड़ा इजी है क्योंकि हिस्ट्री के तरह है, पूरा का पूरा एंटायर चैप्टर जो भी पोयम वगैरह जो भी है पूरा डिलीट। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंडेक्स में देख लेते हैं। इंडेक्स में आपको दिख रहा है कि सेकंड भाग सेकंड के बॉक्स में जो सिक्स्थ चैप्टर है चूड़ी वाला वो पूरा डिलीट, एंड देन भाग तीसरे में आ जाइए तो वहाँ पर रंग साहित्य चे वो पूरा डिलीट, एंड नीचे देखिए जो स्थूलवाचक है वो पूरा डिलीट कर दिया गया है। एंड भाग चौथे बॉक्स में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जो 14th चैप्टर है बीच पेरले गेले वो भी पूरा डिलीट। तो मराठी में ये पूरा एंटायर चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि इसके चैप्टर के अंदर से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं जैसे कि हमने हिंदी का देखा, ठीक है। सो मैंने सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है सबका मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्या रिडक्शन है क्या नहीं, सारे के सारे वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो। अच्छे से टेक्स्ट बुक लेके आप बैठिए और सारे अच्छे से मार्क करके लीजिए, एंड अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। वेरियस सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।